हेलो स्टूडेंट्स, यही चैनल माध्यम रे वीडियो देखुवा पिलापाई गोटे इनफर्मेसन अच्छी। यही मसर 28 तारीख रे अर्थात 28 अप्रैल रे गोटे 50 मार्क रो गोटे ऑनलाइन एग्जाम करबा को जाउची, जहा कि संडे से दिन पडुची एवं 2टा बेले करी बोली मु डिसाइड करिची। एवं जहार क्वेश्चन मो ए यूट्यूब चैनल माध्यम रे मोर अपलोड करबी एवं तार आंसर 30 अप्रैल रे मु छाडीबी। जो पाने ऑनलाइन एग्जाम देवाई इंटरेस्ट अच्छा से माने मो व्हाट्सएप नंबर रे आंसर को व्हाट्सएप करें, मेसेज करें। से ही एग्जाम रे जो 50 मार्क ए 22 मार्क ऑब्जेक्टिव पैटर्न जमी नुआ पैटर्न हो बीएससी ओडिशा द्वारा से ही अनुसार क्वेश्चन कराई। आउ जो बाकी 28 मार्क से माने सब्जेक्टिव जमीक आप्लिकेसन रिपोर्ट आउ एसे आउ लॉन्ग क्वेश्चन देवे क्यों चैप्टर पढ़ क्यों थ्रु के मार्क पढ़ तार गोटे सीट मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीची। आम आज यही वीडियो रे ए लेटर टू गॉड रो किछ वोकैबुलरी आ लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन आंसर करिबा। या परे मु तुमन को पाई किछ होमवर्क रखीची जहार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीची, तुम्हें चाहिले ताकू डाउनलोड करी करि परिबो। तारे चलो वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन अछि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, बंधनी मध्यरे उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो ब्राकेट अच्छी गेल, ह्वेलुइन, साइक्लोन, हरिकेन, टर्नाडो, टाइफून। फास्ट क्वेश्चन अच्छी ए भायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन ह्विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल। ए भायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल माने होची क्रांति मंडलीय, इन ह्विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल, क्रांति मंडलीय झड़ भायोलेंट बहुत हिंस्र बा प्रखर झड़ जो थी कि स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल, सर्कल माने गोल गोल होकर स्ट्रॉन्ग विंड आम बहे शक्तिशाली पवन बहे कहते साइक्लोन। ये मन रखी ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन ह्विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल इज कॉल्ड साइक्लोन। ए सिंगल वर्ड क्वेश्चन आसे परीक्षा रे। नेक्स्ट नंबर सेकेंड आन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड अत्यंत जोरें बहुत पवन आन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड आंसर मन रखी गेल। सेकेंड क्वेश्चन था आन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड यार आंसर होची गेल। थर्ड ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल माने से ही आंचलिक स्ट्रॉन्ग विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स केवल शक्तिशाली पवन जोरें बहे या कहते टाइफून। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स इज कॉल्ड टाइफून। नेक्स्ट नंबर आई भी ए वायलेंट स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एस्पेशियली इन द वेस्टर्न आटलांटिक ओसीन, एस्पेशियली मीन्स मेनली मुख्यतः इन द वेस्टर्न आटलांटिक ओसीन, वेस्टर्न आटलांटिक ओसीन रे अत्यंत शक्तिशाली पवन जो बहे जो झड़ हुए कौन कहते ना हरिकेन। एंड ए वायलेंट स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एस्पेशियली इन द वेस्टर्न आटलांटिक ओसीन इज कॉल्ड हरिकेन। नेक्स्ट नंबर भी ए वायलेंट स्टॉर्म विथ सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनेल, फनेल बा काहली भली जहार सेंटरटा केन्द्रटा होइथाय से वायलेंट स्टॉर्म को कहंती टर्नाडो। ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनेल इज कॉल्ड टर्नाडो। ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज, बहुत शक्तिशाली पवन बहे जैक अति द्रुत वेगरे इन ए स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट मान हूँ घूर्णन गति एंड बहुत क्षति करे एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज कहते व्हील विंड, कहते व्हील विंड। तले आउ थे मुझ क्वेश्चन गुड़ाक आंसर कही दूँ ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन ह्विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल, सर्कल को देखिए मन रखियो कहते साइक्लोन। नेक्स्ट आन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड कहते गेल। थर्ड ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, शक्तिशाली पवन बहे जोड़ा मुख्यतः ट्रॉपिकल एरिया क्रांति मंडल अंचल जो झड़ हुए कहते टाइफून। ए वायलेंट स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एस्पेशियली इन द वेस्टर्न आटलांटिक ओसीन, वेस्टर्न आटलांटिक ओसीन जो झड़ बहे शक्तिशाली पवन बहिकी कहते हरिकेन। नेक्स्ट ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनेल, फनेल भली बा काहली भली जार सेंटरटा होइथाय ताको हम कहचे टर्नाडो। तापरे ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज, बहुत क्षति करे पवन टी शक्तिशाली पवन बहिकी जैक स्पिनिंग मूवमेंट करे कहते ह्विल विंड। ये छटा क्वेश्चन को पे मैंने घोषिकी मन रखे परीक्षा पढ़वार संभावना अच्छी। जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तुम जान हु हुम व्हिच और दैट आपको यूज करी
आउ नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज रो यूज करी आमे कोन करिबा ना दुटी सेंटेंस को जॉइन करिबा आमे पढ़िले तले फर्स्ट क्वेश्चन होउची माय मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग माय मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग सी कुक्स वेरी वेल एठी एंटीसिडेंट बा नाउन फ्रेज होउची माय मदर फर्स्ट सेंटेंस रे अछि माय मदर ता बदल रे सेकंड सेंटेंस रे लिखाई छि सी तनो आमे माय मदर को ही आम आंटीस्टेंट बोली धरवा तेणु जेहेतु ये सेन्टेन्स स्टार्टिंग अच्छी तले आग लिखाला माई मदर आंसर देखो आग लिखाला माई मदर तापर कमा दिया हे हु कुक्स वेरी वेल कहीं हु है ना माई मदर ये जीए बुझौज माई मदर तापाई आम हु यूज कले हु कुक्स वेरी वेल सेकेंड सेन्टेन्स लिखाला आ सी लिखाला ना सी बदल हु लिखाला हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू ताले फास्ट सेन्टेन्स जहाँ बढ़ला माई मदर जाइछि तापर बोलिला इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग बुझिला क्वेश्चन थिला माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग सी कुक्स वेरी वेल आम एटी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रे यूज करके तो कंबाइन करिछे आंसर माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग जेहेतु एटा हु कुक्स वेरी वेल एटा कोन करूछि किछि एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन दउछि एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन दउ नाहि माय मदर पर्सन आम जापे ये आइडेंटिफाई हो जाइए अलरेडी तेणु ये जो क्लजटी हु कुक्स वेरी वेल ताको आम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज कहूचे तेणु पूर्व एवं तापर आम कमा देचे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आवर इंस्टीट्यूशन इज हाइली पॉपुलर इट वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर एठारे आवर इंस्टीट्यूशन अच्छी फर्स्ट सेंटेंस रे और सेकंड सेंटेंस रे ता बदले बस इट तेणु आवर इंस्टीट्यूशन होची एंटीसीडेंट बा नाउन फ्रेज जेहेतु सेंटेंस रो स्टार्टिंग रे अच्छी तेणु आगे लिखा है आंसर आवर इंस्टीट्यूशन कमा दिया हबो कहीं ना आवर इंस्टीट्यूशन अलरेडी जानी जाऊँ अलरेडी आइडेंटिफाइड हो तेणु नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज रो यूज करेंगे आमको हम तेणु आवर इंस्टीट्यूशन पर हमें कमा देवा ता बदले ह्विच बसला सेकंड सेंटेंस लिखा है इट वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर थी तेणु आंसर ह्विच बसला इट बदल ह्विच वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर जहाँकि लोक मान मंगल काम कर तापर कमा दिया इज हाइली पॉपुलर आंसर आवर इंस्टीट्यूशन व्हिच वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर इज हाइली पॉपुलर थर्ड सतीश स्कोर्ड ए गोल इन द लास्ट मिनिट सतीश स्कोर्ड ए गोल इन द लास्ट मिनिट ही वाज फॉर्चुनेट एठी मध्ये सेही सतीश को आमे आंटीस्टेंट हिसाब रे धरिबा सेंटेंस रो स्टार्ट रे बसीची तणु फर्स्ट सतीश बोले खाला कमा दियाला सेकंड सेंटेंस ही वाज फॉर्चुनेट अछि तणु ही बदल आमे हु लिखिले Who was fortunate scored a goal in the last minute. Satish, who was fortunate scored a goal in the last minute. Tapare next IV. Mother Teresa is revered as a saint. She served mankind. Mother Teresa ko ame noun phrase ba antecedent sa dhariba kai ki na second sentence re ta badale she likhai chi. So non identifying relative clause kariba. Mother Teresa comma diala who je who served mankind second sentence re ame likhle she served mankind achi. हु सर्व मैन कैंड जेहतु मदर टेरेसा स्टार्टिंग रे अछि हमें सेकंड सेंटेंस को ही नॉन आइडेंटिफाइड रिलेटिव क्लॉज करबा हु सर्व मैन कैंड इज रिवर्ड एज ए सेंट आंसर आउटर कहू छी मदर टेरेसा हु सर्व मैन कैंड इज रिवर्ड एज ए सेंट तापरे वी आई ऑफन गो टू मुंबई मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया एटी फर्स्ट सेंटेंस द मेन क्लॉज आई ऑफन गो टू मुंबई एटी ऑलरेडी मुंबई बोली दे दी छी तनु सेकंड सेंटेंस टा बा क्लॉज टा को हमें नॉन आइडेंटिफाइंग यूज करबा जेहेतु फास्ट सेंटेंस रो शेष रे देखो आई ऑफन गो टू मुंबई मुंबई टा लास्ट रे बसी सेंटेंस रो तेणु सेकंड क्लॉज टा को सीधा लिखा जिवो आंसर जेंती आई ऑफन गो टू मुंबई मुंबई पई व्हिच बसला मुंबई पर कमा दियाला आई ऑफन गो टू मुंबई व्हिच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया सेंती वी आई दिस स्पोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट एही खिलाड़ी माने प्रेसिडेंट को भेटिया को जाउछंती their performance has been excellent so their performance bhalo achi it is this sports persons eta ko ame antecedent bol dhariba jetu sentence starting re achi ta ko aga lekhala these sports persons comma diala second sentence their performance achi tenu se ta ko darshay pai ame whose semanankara jahara whose performance has been excellent comma are going to meet the president tenu whose purbur comma aw excellent pare comma dabau padibo eta ame padiche eta rule नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज ता पूर्वर आ ता परे कमा दिया हबो तनु आंसर या हबो
ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାର ଲିଙ୍କଟାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଆଣ୍ଟିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଚୟନ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଛିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରହୁଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଗ ଲେଖାଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଲିଟିକ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କମା ଦେବା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଲିଟିକ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ହୁ କିମ୍ବା ହୁଇଜ୍ କିମ୍ବା ହୁଜ୍ ବା ହୁମ୍ ଲଗେଇକି ତାପରେ କମା ଦେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଯାହା ବଳିଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ୟୁଜିଂ ନେଗେଟିଭ୍ସ ଫର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍। ଆମେ କିଛି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍, ଯେମିତିକି ନୋ, ନେଭର୍, ନଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ମର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ୟୁଜିଂ ନେଗେଟିଭ୍ସ ଫର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦେୟାର୍ ଲିଭ୍ସ, ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦେୟାର୍ ଲିଭ୍ସ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନଟ୍ ଏ ଲିଭ୍ ରିମେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ନଟ୍ ଏ ଲିଭ୍ ରିମେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ, ଦ ଲେଟର୍ ୱାଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ, ଦ ଲେଟର୍ ୱାଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ, ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସ ଦିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସ ଦିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିକି, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ହି ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ହି ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଏ ଥିଲା ନେଗେଟିଭ୍ସ ଫର୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍।